Hello friends, very warm welcome to all of you on my channel. I'm Shweta Gupta and I'm very happy to see you all here. बहुत टाइम से ना मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है. आई थिंक 7 to 8 days हो गए हैं कि मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है अपने चैनल पे, क्योंकि आई वॉज नॉट फीलिंग वेल. मतलब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी कि ऐसी, मतलब ऐसा था नहीं हेल्थ की मैं कोई वीडियो शूट कर पाऊँ आप सबके लिए. तो अभी भी मैं बहुत ज़्यादा अच्छा फील नहीं कर रही हूँ. कफ बहुत ज़्यादा है, कोल्ड कफ हो रखा है और थोड़ा फीवरिश भी हो रहे थे, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी. पर आज मैं वैसे हेयर केयर कर रही थी, तो क्योंकि संडे है कोई काम नहीं, तो मैंने सोचा थोड़ा हेयर केयर कर लूँ और आप सबसे शेयर भी करूँ कि मैं हेयर केयर करने के लिए क्या करती हूँ. तो मैंने जो पैक बनाया है वो है ये अंजलि हर्बा वैदिक का. अगर आप देख सकते हो तो ये अंजलि हर्बा वैदिक का पैक है. इसकी डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मैं आपको डाल दूंगी कि आपको कहाँ से मिलेगी और ये किस टाइप की पैक है. दिस अ वेरी वंडरफुल हेयर मास्क. ये एक्चुअली हेयर बनाना मास्क है, बनाना थेरेपी है. मतलब अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, बाल खराब हो रहे हैं, अचानक से झड़ना शुरू हो गए, तो इन सारी चीज़ों पे ये बहुत अच्छा काम करती है. दिस इज एक्चुअली अ हेयर रिपेयर काइंड ऑफ मास्क. तो ये आपके हेयर ग्रोथ को तो इन्हेंस करती ही है, साथ ही साथ ना आपके झड़ते हुए बालों को भी बहुत ज़्यादा रोकती है. मेरे बाल लेटली बहुत ज़्यादा थिन हो गए और बहुत झड़ने लगे थे, लेकिन ये मास्क एक ऐसा मास्क है ना जो बहुत ही खूबसूरती से आपके बालों को रीग्रोथ प्रोवाइड करेगा. साथ ही साथ सबसे पहला काम करेगा ना कि आपके झड़ते हुए बालों को एकदम से रोक देगा, तो आप खुश हो जाओगे. तो इसको प्रिपेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है. नाइट में आपको थोड़ा सा वार्म वाटर में 1 स्पून ऑफ ये पाउडर लेना है और इसको आपको न्यू पेस्ट बना लेना है. थोड़ा थिन पेस्ट बनाएगा क्योंकि ये थोड़ा सा फूलता है, मतलब थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, थोड़ा घुल जाता है. और सुबह तक ये लगाने लायक एकदम से बहुत खूबसूरत सा पैक तैयार हो जाता है. अगर आप देख रहे हो तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इस पैक को अपने बालों में आप जिस तरह से लगाते हो हेयर पैक वैसे लगा लो. बालों की जड़ों में इसको बहुत अच्छे से लगाना है क्योंकि ये लिटरली एक कहते हैं ना कि हेयर थेरेपी मास्क है. तो आपको बालों के जड़ों में इसको अच्छे से लगाना है इस मास्क को. तो इस मास्क को आप पूरे बालों में अच्छे से लगा लोगे और उसके बाद इसको आपको 15 मतलब हाफ एन आवर तक रखना है. मैं इसको 1 आवर तक भी रख लेती हूँ. मतलब एक बार लगा लिया तो 1-8 घंटे तो मैं कुछ कुछ काम वाम में अपना बिजी हो गई, उसके बाद जाके अपना शैम्पू कर लिया. शैम्पू करने के लिए आप कोई भी नॉर्मल शैम्पू यूज़ कर सकते हैं. मैं इंदुलेखा हमेशा से ही यूज़ करती हूँ. इंदुलेखा मेरा वन ऑफ द फेवरेट शैम्पू है. आप सभी को पता है कि मुझे बहुत पसंद है इंदुलेखा यूज़ करना. इंदुलेखा से मेरे बाल बहुत ज़्यादा कंट्रोल रहते हैं, बालों में झड़ने की जो प्रॉब्लम होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं. मतलब मेरे बाल ऐसे हैं ना, अभी थिन है, थिक है या जो भी, झड़ नहीं रहे हैं बिल्कुल भी, एक भी बाल एक्स्ट्रा झड़ता नहीं है. मतलब मैं कॉम करूँ ना तो ऐसा नहीं है कि बाल निकल के आ गए बहुत सारे कॉम में. 1-2-4-5 तो देखो उतना ना नेचुरल होता है, उतना तो सबका आना है ठीक है. लेकिन एक अच्छे से ना बाल जब झड़ने लगते हैं ना तो कॉम फुल हो जाता है, ये गुच्छे गुच्छे बाल निकलने लगते हैं. तो वैसी प्रॉब्लम सारी ना मुझे इन सब चीज़ों से, मतलब इंदुलेखा शैम्पू से, इस हेयर मास्क की वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स मुझे नहीं होते हैं. तो मैं भी आपको एडवाइस यही करूँगी कि आप ये हेयर मास्क ज़रूर ट्राई करें. एक बार ट्राई करें, एक बार देखिए आप, मैं बोल रही हूँ एक बार आप ट्राई करके देखिए कि ये आपके बालों में क्या काम कर रहा है और कैसा काम कर रहा है और आपको अच्छा लगा या नहीं लगा. बाकी तो मुझे ये बहुत ज़्यादा ही पसंद है. बाकी आप ट्राई कीजिए, आपको कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए. फ़िलहाल के लिए मैं इस मास्क को लगा रही हूँ और वॉश करके आपको दिखाऊंगी ज़रूर ठीक है कि इसके रिजल्ट्स कैसे. रिजल्ट्स इन द सेंस क्या है ना कि ये बालों को बहुत स्मूद भी कर देता है, बहुत स्मूदन अप कर देता है.
तो फाइनल रिजल्ट में आपको शैम्पू के बाद अपने ड्राई हेयर में दिखाऊंगी कि बाल कितने ज्यादा स्मूथ भी हो गए हैं। बालों की जड़ों में लगाने के बाद जो बचे हुए प्रोडक्ट्स है ना, उसको आप बालों की लेंथ में भी लगा ले अच्छे से, क्योंकि नहीं ये लेंथ पे भी बहुत अच्छा काम करता है। मैंने बोला ना कि ये बालों को स्मूदन अप भी बहुत अच्छा करता है। इसमें फेनुग्रीक सीड वगैरह है, तो जो बालों की जो लेंथ है ना, इस पे मतलब बहुत अच्छी सी स्मूदनेस प्रोवाइड करता है ये। तो आप बालों की लेंथ में भी इसको लगा लें। और एक चम्मच हेयर मास्क ना आपके मतलब मेरे इस लेंथ के बाल के लिए काफ़ी होता है, मतलब जड़ों में लगाने के बाद लेंथ में भी अच्छे से लग जाते हैं। तो चलिए फिलहाल के लिए बने रहिए इस वीडियो में, और मैं फाइनल रिजल्ट आपको दिखा के फिर हम लोग टाटा बाय बाय करेंगे। अभी मतलब इस वीडियो को मैं यहीं पे रखती हूँ, बस आपने देख लिया कि इसको लगाना किस तरह से है। तो मैं इसको कंप्लीट करती हूँ और फिर आपको आफ्टर वॉश रिजल्ट ज़रूर दिखाऊंगी। हेलो, तो मैंने जैसा आप सबको प्रॉमिस किया था कि आफ्टर वॉश एंड फुल्ली ड्राई मैं आप सबको दिखाऊंगी कि मेरे बाल देखिए कितने सॉफ्ट और कितने फ्लफी से दिख रहे हैं। अभी तक मैंने कोई कॉम नहीं किया है, ये नेचुरली ड्राई है, ब्लो ड्राई भी नहीं किया है, नेचुरली ड्राई करके मैं आप सबको दिखा रही हूँ कि ये प्रोडक्ट लिटरली देखिए बालों को कितना खूबसूरत बनाता है। बहुत सॉफ्ट, बहुत स्मूथ से हो गए हैं बाल। अब मैं इनको कॉम करूँगी और मतलब बहुत ही खूबसूरत, बहुत अनसुलझे से भी हैं बाल। तो इस प्रोडक्ट को आप सब भी यूज़ कीजिए, और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आप सबको भी ये प्रोडक्ट ना बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और बहुत ही अच्छे से बालों को खूबसूरत बनाता है, हेल्दी बनाता है, और जैसा कि मैंने बोला झड़ने से रोकता है। तो डू ट्राई दिस प्रोडक्ट और मुझे बताइए कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा। फिलहाल के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप सपोर्टिंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। आई होप यू लाइक माई कंटेंट्स। बाय बाय।